अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके से रिफाइनिंग करनी है, सबसे पहली बात ये रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है। रिफाइनिंग कहते हैं साफ करने को। रिफाइनिंग का मतलब लफ्जी मतलब बताऊँ ना, क्लीनिंग को कहते हैं, साफ करने को कहते हैं। किसी चीज़ को क्या करना, साफ करना, साफ करना। अब किस तरह साफ करना, ये बात याद रखिएगा, जब कॉपर मेटल है ना, ये ज़मीन से हासिल की जाती है, और ज़मीन से हासिल करने के बाद आप 10th क्लास के अंदर जाएंगे, वहाँ पे पूरे का पूरा प्रोसीजर है, हम पूरे का पूरा प्रोसीजर करते हैं। करने के बाद हमारे पास जो कॉपर मेटल आ रही होती है वो ऑलमोस्ट 72% 80% या फिर 98% इतनी प्योर होती है, मैक्सिमम 98% होती है। कितनी मेटल प्योर होती है, 98%। ये सिर्फ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अब आप चाहते हैं जी ये वाली जो मेटल है 98% ना रहे, ये हो जाए 99.9% प्योर, मतलब तकरीबन 100% प्योर हो जाए। तो इतने परसेंट प्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी पड़ेगी इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके से। अब इलेक्ट्रोलाइटिक जहाँ पे भी वर्ड आया तो समझ जाइएगा, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक का मतलब होता है तोड़ना, करंट दे के किसी चीज़ को तोड़ने का अमल इलेक्ट्रोलाइटिक कहते हैं। सही। अब यहाँ पे जहाँ पे भी वर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक आया वहाँ पे याद रखिएगा, हम कोई ना कोई कैथोड यूज़ करेंगे, कोई ना कोई एनोड यूज़ करेंगे। सही। ये सारी की सारी चीज़ें कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। इस चीज़ का जो मतलब है वो डायरेक्ट आपने जोड़ रखना है किसके साथ, इलेक्ट्रोलाइटिक के साथ। अब तीन बातें यहाँ पे भी, हम पीछे सारी की सारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते आ रहे हैं, यहाँ पे भी तीन ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल करना है, सेकंड नंबर पे एनोड कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, थर्ड नंबर पे कैथोड कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। ये तीन चीज़ें याद रखिएगा, ये खुद ब खुद ही कर लेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर अगर पास पेपर में देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही है। और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसके अंदर कुछ रिडॉक्स रिएक्शन, दो रिएक्शन हैं बिल्कुल सिंपल से हैं, वो देखिएगा, वो बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएंगे वो आपने रिएक्शन किस तरह करवाने हैं। सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कि ये हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। चलिए सबसे पहले आपने क्या करना है जी, एक स्टील का बना हुआ टैंक लेते हैं जिसके अंदर आपने रिफाइनिंग करनी होती है। ये हमारे पास टैंक जो होगा, ये मेरे पास टैंक है, और टैंक तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सही है। वैसे आपने पढ़ा हुआ है पहले नंबर पे या तो वुड का बना होगा, या वुड का, या प्लास्टिक का। सही है। या फिर ये बना होगा ग्लास का। सही। प्लास्टिक की जगह आप सीमेंट भी कह सकते हैं, ये सीमेंट का भी बना हो सकता है। पहले नंबर पे ये बात याद रखिएगा, आपने एक टैंक लेना है, टैंक के अंदर करना क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट डालना है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डालना है, आपको हिंट यहीं से मिल जाएगा, कॉपर है तो इसी का कोई ना कोई साल्ट डाल लें। इलेक्ट्रोलाइट कॉपर है तो कॉपर का कोई ना कोई साल्ट इस्तेमाल करना है। जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो होता है कॉपर सल्फेट। सही है। आपने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करना था, इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं किस तरह है, आप कॉपर सल्फेट को लें, कॉपर सल्फेट अमूमन NaCl जिस तरह होता है ना, सोडियम क्लोराइड, आम खाने का नमक, वाइट कलर का सख्त, सेम इसी तरह का होता है कॉपर सल्फेट भी। सही। वैसे इसका कलर ब्लू में भी होता है, ये बात याद रखिएगा। आपने क्या करना, उस साल्ट को लेना है, साल्ट को लेकर पानी के अंदर हल करना है, हल करने के बाद उसको यहाँ पे डाल देना है। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोलाइट, ये कौन सी चीज़ आ गई, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सी चीज़ ली है ये भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया है कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट में एज आ इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं। नेक्स्ट काम, आपने एक इलेक्ट्रोड यूज करना है, यानी कि मैं कहूँ जी दो इलेक्ट्रोड यूज करने हैं, कौन कौन से, एक यहां पे लगा देना है ये मैंने, और एक को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से लगा देना है, ये मैंने बैटरी के दूसरे टर्मिनल से लगाऊंगा। अब दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। अब एनोड और कैथोड में फ़र्क क्या होता है, एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। सही है। ये सिंपल सी बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब एनोड कौन सी चीज़ बनानी है और कैथोड कौन सी चीज़ बनानी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास क्या है, एनोड है। अब एनोड आपने बनाना है इम्प्योर मेटल का,
इम्प्योर मेटल। अब इम्प्योर मेटल मतलब यानी कि जिसके अंदर 2% इम्प्योरिटीज हैं वो मेटल लेनी है, उस मेटल को आपने एज अ एनोड यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सही है। आपने एनोड किस चीज का बनाना है? इम्प्योर मेटल का, जिसके अंदर 2% इंप्योरिटी मौजूद होती है। आप चाहते हैं ये प्योर हो जाए, उस चीज का आप क्या बनाएंगे? एनोड। और प्योर मेटल का क्या बनाना है? सही है, हमारे पास कैथोड होता है, इसको हम कैथोड का नाम देते हैं। और कैथोड आपने बनाना होता है प्योर मेटल का, किसका? प्योर मेटल का। ये दो बातें याद रखिएगा, एनोड किस चीज का बनाना है? कैथोड। एनोड बनाना है इम्प्योर मेटल का, कैथोड बनाना है प्योर मेटल का, कैथोड प्योर मेटल का बनाना है। चलिए आप नेक्स्ट काम क्या करना होता है, जो आपने करंट गुजारना है, करंट गुजारने के बाद यहां से कॉपर उतरता है, यहां पर जाकर जुड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा था ये सारी की सारी एनोड, यहां से एनोड से कॉपर उतरता है, कॉपर उतरने के बाद यहां पर जाकर जुड़ जाता है और हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसी को थोड़ा सा वर्डिंग में लिख लेते हैं, वर्डिंग में वहीं से स्टार्ट करूंगा। आप कॉपर की रिफाइनिंग करना चाहते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये पूरे का पूरे को सेल कहते हैं, ये पूरे का पूरा जो हमारे पास इस तरह एक अपरेटस बनता है, इसको सेल का नाम दे रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें करंट हम खुद दे रहे होते हैं। एक होता है वोल्टिक सेल, जिसमें करंट बन रहा होता है, वहां पर भी हम सॉल्यूशन लेते हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है, लेकिन वहां पर करंट बन रहा होता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, करंट खुद दे रहे हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे। चलिए सबसे पहले बात, फॉर द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की रिफाइनिंग करने के लिए वी यूज्ड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वी यूज्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल का इस्तेमाल करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने एनोड किस चीज का बनाना है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या काम होता है? एनोड इज मेड अप ऑफ देख ले, इम्प्योर कॉपर मेटल का बना होगा, कॉपर मेटल। ये सेकंड पॉइंट की बात कर ली है। और इसके बाद हमारे पास कैथोड किस चीज का बना होगा? कैथोड बना होगा प्योर कॉपर मेटल का। कैथोड बना होता है प्योर कॉपर मेटल का बना होगा। अब इसके बाद आपने करना है, ये तीन बातें हमने लिख ली हैं, एनोड, कैथोड और हमारे पास रिफाइनिंग कॉपर की किस तरह कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। और एक चीज रह गई है, वो है इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल करना है। इलेक्ट्रोलाइट जो हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे थे वो कॉपर सल्फेट होता है, सही, कॉपर सल्फेट इज यूज एज अ इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एज अ इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही हो गया। यहाँ तक उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, रिएक्शन करवाने हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से गुजारेंगे तो कौन कौन सा रिएक्शन होगा, ये चीज़ हमने देखनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट जब हम गुजारेंगे फॉलोइंग रिएक्शन अक्कर, फॉलोइंग रिएक्शंस अक्कर, ये वाले रिएक्शन हो रहे होते हैं। अब होता क्या है, ये सिंपल सी बात पहले समझ लें, यहां से आपकी मेटल उतरनी है, यहां से ये वाला ऐसा ऐसा हिस्सा इसमें डिजोल्व होता जाएगा, सही है। और यहां से उतर के आपकी मेटल सारी की सारी पहले आनी है सॉल्यूशन में, फिर यहां से आके यहां पे जाके जुड़ना शुरू हो जानी है, सही, यहां से
यहाँ पे आकर जुड़ना शुरू हो जाएगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपका एनोड छोटा होता जा रहा है और कैथोड मोटा होता जा रहा है या बड़ा होता जा रहा है, सही है। अब जैसे ही सारी की सारी, एक वक्त आएगा सारी की सारी मेटल यहाँ से उतर जाएगी, उतरने के बाद आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ रहेगी, इम्प्योरिटीज़। आपके पास ये बड़ा सा ब्लॉक बन जाएगा, आपने इस बड़े से ब्लॉक को बाहर निकाल लिया, आपके पास 99% प्योर कॉपर होगी। ये कितनी प्योर होगी, 99%, ये वाली कितनी, 99% प्योर कॉपर होगी, प्योर कॉपर। ये बात आपने सिंपल सी याद रख ली है, कितने परसेंट प्योर होगी, 99%, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमें फ़ायदा भी तो कम से कम पता चले हम ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर क्यों रहे हैं, सिर्फ प्योर करने के लिए कॉपर को। यही बात हमने यहाँ पर रिएक्शंस में लिखनी है, रिएक्शंस एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। और मजे की बात यहाँ पर गौर करें ना तो आपको एक चीज पता चलेगी, एनोड भी कॉपर का है, कैथोड भी कॉपर का है, सही है। और हमें एक चीज़ का पता है कि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड में हमेशा रिडक्शन होती है। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगी। चलो जी यहाँ पे गौर करते हैं, एनोड ये वाला है, सही है, ये वाली चीज। अब यहाँ पे एनोड में ऑक्सीडेशन किस तरह होगी, कॉपर जो होगा ये चेंज हो जाएगा कॉपर प्लस आयन में और साथ में दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। यही कॉपर आयन्स यहाँ पे आ जाते हैं सोल्यूशन में, यही कॉपर आयन्स यहाँ पे आ जाते हैं, Cu+2 सोल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और आप देखें, गौर करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यही कॉपर के आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होने के बाद इसकी सतह के ऊपर जाकर चिमड़ते रहते हैं और ऐसा ऐसा ये ब्लॉक बड़ा होता जाता है और ऐसा ऐसा ख़त्म होता जाता है। और इसके बाद हमारे पास रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर याद रखिएगा कि हमेशा कौन सी चीज़ होती है, रिडक्शन हो रही होती है। इलेक्ट्रॉन के हवाले से अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखें नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिकदार ज़्यादा है जिसकी वजह से ये कॉपर आती है इसकी तरफ, क्योंकि इसने अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करना है। यही कॉपर प्लस टू क्या करेगी, दो इलेक्ट्रॉन लेगी, दो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये चेंज हो जाएगी कॉपर में, सही है। और ये एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ना जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऐसा ऐसा ना यहाँ पे जमा होनी शुरू हो जाती है, नीचे बिल्कुल एनोड के नीचे जमा होनी शुरू हो जाती हैं। ये बात याद रखिएगा, ये जो इम्प्योरिटीज़ एनोड से नीचे आकर 2% इम्प्योरिटीज़ कहा था मैंने कॉपर मेटल में, कॉपर मेटल तो सारी की सारी यहाँ पे चली जाएगी, सही। सिर्फ यहाँ पे कौन सी चीज़ रहेगी, इम्प्योरिटीज़। जो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे आके जमा होती है उसको हम कहते हैं एनोड मड, एनोड मड। याद रखिए इम्प्योरिटी हम उस चीज़ को कहते हैं, मसलन एक चीज़ मैं चाहता हूँ ये मेरे पास हासिल हो जाए, उसके अंदर बाकी जो भी चीज़ होगी वो इम्प्योरिटी होगी। वो कौन सी चीज़ होगी, इम्प्योरिटी होगी। अब एनोड मार्ट के अंदर सिल्वर भी हो सकता है, सोना भी, बाद में सोना होता है इसके अंदर, एनोड मार्ट के अंदर गोल्ड भी हो सकता है, सही। ये एनोड मार्ट मतलब ये है कि इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही सस्ती होगी, इसको फेंक देंगे। बाद दफ़ा ये 2% जो एनोड मार्ट होती है इसके अंदर गोल्ड होता है, इसलिए प्योरीफाई कर रहे होते हैं ताकि गोल्ड लैदा हो जाए, कॉपर लैदा हो जाए, सही है। सिंपल सी बात आपने जहन में रखनी है। ये था हमारे पास कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इसके पॉइंट्स जो मेन है वो आपके सामने ही है। तो ये रिएक्शन याद रखने हैं, इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड कौन कौन सी चीज़ें बनी होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, भाई यही बात याद रखिएगा। यही हमारे पास आज के लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।